अभी आज हम ना कुछ नया करेंगे, ठीक है? तो सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आसपास जितनी भी आवाजें हैं ना, सिर्फ सुनना है उनको ध्यान से, ठीक है? अब हाथ रगड़ के, हथेलियां आंखों पे लगा के फिर आंख खोलेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी आपने आवाजें सुनी सबने अलग अलग? यस मैम। हम लोग अभी अंदर चलेंगे और वहाँ पे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? हमने बहुत सारी आवाजें सुनी। यस यस। तो अभी बताएंगे कि किसने किस चीज कौन सी आवाज सुनी। चिड़िया की। पैरों की आवाज आ रही थी। बाइक की ना, टू व्हीलर की आवाज, ठीक है? रोने की और बोलने की आवाज थी। रोने की आवाज भी थी। चिल्लाने की आवाज थी। तो अभी हम ना आवाजों को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक जो अच्छी लग रही थी, एक जो बड़ी अजीब सी, मतलब बुरी नहीं थी तो अच्छी भी नहीं थी, वो वाली, ठीक है? तो ये हो गई हमारी अच्छी आवाज, ठीक है? और ये हो गई बुरी। तो पहली अच्छी आवाज कौन बताएगा? चिड़िया। एक बुरी आवाज जो सुनने में अच्छी नहीं लगी। जो टू व्हीलर की ना, डर से टू व्हीलर की आवाज अच्छी नहीं लगी, पट 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 पट, गंदी सी है। अच्छा आप बताओ। हंसने की आवाज अच्छी थी। और कौन सी बुरी आवाज थी? खांसी की आवाज। रोने की गंदी है। लिख देती हूँ, रोने की आवाज। देखो ये दोनों तरीके की आवाजें जो हमारे आसपास होती है ना, तो जो अच्छी आवाजें होती हैं उनको मिलाकर हम संगीत बनाते हैं। जैसे किसी गाने में आपने चिड़िया की आवाज सुनी है, हंसने की आवाज सुनी है किसी उसमें गाने में, किसी गाने में सुनी है? अमन बहुत सारे गानों में हंसने की आवाज है ना। दरवाजे की आवाज कम होती है लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सवाल है फिर मेरा, पूछो क्या? तो मेरा एक सवाल है, क्या टू व्हीलर की आवाज नहीं होती गानों में? होती है ना। खांसने की आवाज होती है क्या? यस होती है। रोने की? होती है। तो आजकल बताओ क्या हो गया, आजकल हो गया कि हम दोनों चीजें मिला देते हैं, लेकिन फिर भी हम म्यूजिक सिर्फ उन्हीं चीजों से बनाते हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। अगर वो बुरी लग रही है तो फिर हम उन्हें थोड़ा सा ठीक करके तब गाने में डालते हैं, एकदम वैसे ही नहीं डाल देते, है ना? तो समझ आया संगीत में कौन सी आवाजें यूज होती हैं? जो कानों में सुनने में अच्छी लगे। ठीक है, अब हम समझेंगे संगीत के बारे में, ठीक है? तो जब मैं बोलती हूँ या कोई भी बोलता है संगीत, तो आपको क्या समझ आता है उससे? क्या होता है संगीत, एक एक करके बताएंगे। सुर है। और क्या होता है? ताल। वेरी गुड। और क्या होता है सोचो? आवाज। गिटार। वो जो अलग अलग बजाने की चीजें होती है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। देखो इंस्ट्रूमेंट। यस यस मैम। सिंगर। सिंगर्स भी होते हैं ना। शब्द। क्योंकि वो तो किसी ने बोले ही नहीं, धुन होता है, गाने वाला होता है, बजाने वाला होता है, लेकिन क्या गा रहे होते हैं? शब्द गा रहे होते हैं ना। और आरव ने क्या कहा था? गाना। ठीक है, क्या कहा था आरव तुमने? गाना ही बोला था ना। यस। अच्छा तो और क्या होता है संगीत में? नाचना। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है? क्या है ये? नाचना, ताल, आवाज, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, गाना, सिंगर, शब्द, सुर। वेरी गुड। तो जब कोई पूछेगा कि संगीत क्या होता है तो हम क्या बताएंगे उन्हें? ये सब बताएंगे। तो जैसे किताबी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो संगीत की भी परिभाषा है किताबों में, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? किताबों के हिसाब से गायन यानी गाना प्लस वादन यानी बजाना और नृत्य मतलब डांस। तो गायन वादन और नृत्य को मिला के क्या बनता है? संगीत। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे नृत्य हो, बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे सिर्फ लोग गा रहे होते हैं और बजा रहे होते हैं, है ना? डांसर हर जगह नहीं होते, तो ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों का होना जरूरी है। किस दोनों का होना? गायन और
वातावरण। नृत्य कभी कभी आ जाता है, कभी कभी चला जाता है।